मैं हूँ अफन और आप देख रहे हैं अफन टेक चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजिंग से टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट निकल के आता है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल अब निकालने वाला है एयरटेल फ्यूचर फोन, और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि मार्च 2018 पर जो है लॉन्च करने वाला है, और यहाँ पर आपको बहुत ही कम से कम प्राइस में जो है देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये जो है कंप्लीट लो प्राइस, मतलब जियो फोन का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उससे तो बहुत ही कम होगा, ऐसे जो है बताया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो है कैसा और किस तरह जो है देखने को मिलता है। दूसरा अपडेट निकल के आता है वोडाफोन की तरफ से। वोडाफोन अब निकाल दिया है 70 GB का पैकेज, और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि ये 70 GB का पैकेज जो है आपको 70 डेज वैलिडिटी मिलेगा, और साथ ही साथ 1 GB पर डे, और यहाँ पर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 244 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे तो आपको जो है 70 डेज वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन ये है न्यू कस्टमर के लिए, मतलब जो कोई भी न्यू कस्टमर या 2G to 4G कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो है 244 का रिचार्ज करेंगे तो आपको 70 डेज वैलिडिटी, 1 GB पर डे जो है आपको मिल सकता है। लेकिन आप पहले से ही आप 4G यूज़ कर रहे हैं तो आपको 35 डेज ही वैलिडिटी मिलेगा, और 1 GB पर डे मतलब 35 GB तक ही आपको वैलिडिटी मिल सकता है। तो अच्छा है, अगर जो कोई भी यूज़ करता है वोडाफोन तो आप मैं कहूँगा ये बेस्ट है। तो आने वाले दिनों में शायद और भी कम हो सकता है, पैकेज प्राइसिंग सब कुछ जो है कम हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। और तीसरा अपडेट निकल के आता है मीजू प्रो 7 के लिए। मीजू प्रो 7 अब लॉन्च हो चुका है फाइनली। आप जो है बहुत सारे अनबॉक्सिंग देख सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत ही न्यूज़ बढ़ रही है, मतलब मीजू प्रो 7 और 7 प्लस जो है धमाका मचा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिलता है डुअल डिस्प्ले, डुअल कैमरा, और बिल्ड क्वालिटी तो अमेजिंग है। तो देखिए समझिए जानिए, और बहुत ही जल्द जो है इसे लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मोबाइल जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि एक डिफरेंट स्टाइल जो है अपनाया है मीजू ने। तो मैं क्या कहूँ, बस लेने की कोशिश कीजिएगा। और चौथा अपडेट निकल के आता है लिनोवो K8 नोट की तरफ से। लिनोवो K8 अब लॉन्च करने वाला है अगस्त को, तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि लिनोवो K8 मतलब के का मतलब है किलर, तो बताया जा रहा है कि अमेजिंग होने वाला है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका परफॉर्मेंस भी और इसका स्पेसिफिकेशंस के साथ जो है कैसे हमें मालूमात होने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा क्या होगा आने वाले दिनों पर। तो पांचवा अपडेट निकल के आता है मैसेंजर की तरफ से। मैसेंजर अब एक वर्जन जो है अपडेट करने वाला है 2.1। यहाँ पर आपको सारे ऑटोमेशंस में जो है देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपने मैसेज खोला तो हेलो वर्ल्ड या हेलो फ्रेंड्स जो है आप ऑटोमेटिक मतलब आप एडिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इसे पैच कर सकते हैं अपने सारे मैसेंजर्स, मतलब जो कोई भी आपका फ्रेंड होगा उसे खोलेंगे तो आप डायरेक्टली एक मैसेज आएगा टक, तो आपको यहाँ पर आपको एक थोड़ा बहुत ही डिफरेंट का एक प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं इस पर भी जो है किस तरह का वर्जन जो आने वाले दिनों पर आने वाला है 2.1 वर्जन, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए देखते रहे फनटेक चैनल, और गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए कीप रॉकिंग, बस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।